छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सुरेगांव पुलिस के खिलाफ चल रहे सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया। बता दें कि विरोध प्रदर्शन कर रहे युगल किशोर कश्यप ने बताया कि मेरे घर कार्य करने वाले युवक के साथ मारपीट करने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, इसलिए सत्याग्रह को समाप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालोद जिले में खाकी पर उंगली उठाने वाली घटना सामने आई है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह भी जांच का विषय है। पूरा मामला सुरेगांव थाने का है, जहां के प्रभारी अमित तिवारी पर एक युवक ने मारपीट करते हुए क्षेत्रीय विधायक के नाम पर 1 लाख मांगने का आरोप लगाया है। वहीं इस आरोप पर थाना प्रभारी अमित तिवारी ने कहा कि आरोप लगाने वाली व्यक्ति खुद सट्टा खिलवाते हैं और हमने कार्रवाई की तो झूठा आरोप लगाकर पुलिस को बदनाम किया जा रहा है। सारा पेपर ओके है, लेकिन आए दिन अमित तिवारी जब हमारा ट्रैक्टर को रोक देता था, छड़ का गाड़ी जा रहा है, सीमेंट का गाड़ी जा रहा है, उसको रोक लेता था, छड़ थोड़ा बाहर निकला है, इसका आप पैसा दो, चलान बनाऊंगा, हर बार हमसे 3,000-5,000 ऐसे लेते जाता था। वो तेरी को अवगत इसलिए नहीं कराया था कि हमारा काम हो जाता था, ट्रैक्टर जैसी भी हमारा चल रहा है, हम भी परेशानी से बच जाते थे, इसलिए अवगत कभी नहीं कराया। इस बार उसने हम 2 महीने से पेमेंट नहीं दिए तो इतना ज्यादा मारपीट किया कि आदमी मरते मरते बचा। राजनीति में आने के बाद व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग जाता है और एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की बातें आती हैं, मिथ्या आरोप भी लगते हैं। और मैं तो कहता हूँ यदि मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। आरोप लगाना आसान है, उसको प्रमाणित करना बहुत मुश्किल होता है। और जिस हिसाब से द्वेषपूर्ण ये राजनीति की जा रही है, मैं समझता हूँ एक छोटे से मामला जहाँ पर किसी सटोरियों को लेकर एक कार्रवाई की जा रही है, और मैं समझता हूँ उस सटोरियों के सम्मान में यदि हमारे भी पार्टी संगठन के लोग लाते हैं तो मैं समझता हूँ ये निंदनीय है।